खबरों के लिए बने रहिए पीपीसी न्यूज चैनल के साथ। फोन पर धमकी देकर 10 लाख रुपए की मांग करने वाले को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चंदौली अलीनगर थाना क्षेत्र के जफरपुर गांव के रहने वाले ट्रांसपोर्ट मालिक को फोन करके धमकी देने वाले वाराणसी के आदमपुर क्षेत्र अंतर्गत जैतपुरा इलाका के रहने वाले एक युवक को पुलिस ने किया गिरफ्तार। युवक के पास से धमकी के लिए इस्तेमाल किया हुआ मोबाइल और सिम भी हुआ बरामद। नया सिम लिया अभी मंगा दी सर, डिटेल हमारे पास। नया खरीदा ना, क्रिएट कराया, पैसा डालना है तो पैसा गलती ये कर दिया कि सुधा वहाँ तक कहाँ पुलिस पहुँचे अपने पेटीएम से। सुन, थाना अलीनगर पुलिस जनपद चंदौली को एक महत्वपूर्ण कामयाबी मिली है। 26/3/19 को तीसरे महीने में एक दिलीप यादव है जो ट्रांसपोर्टर है, गाड़ियाँ चलवाता है चकें यार, उसको रंगदारी के लिए एक धमकी दी गई थी और मुकदमा उस समय दर्ज हुआ था। बहुत दिनों से इसमें पुलिस प्रयास कर रही थी लेकिन वो व्यक्ति ट्रेस नहीं हो पा रहा था। तकनीकी रूप से काफ़ी प्रयास करने के बाद इसमें अभियुक्त की गिरफ्तारी की गई है जो बनारस के हंसतल्ले थाना जैतपुरा का रहने वाला कलीमुर रहमान है, उसको आज गिरफ्तार किया गया है। उसके कब्जे से मोबाइल फ़ोन जिससे धमकी दी गई थी बरामद किया गया। नहीं, अभियुक्त का पूर्व इतिहास कोई आपराधिक नहीं है जो गिरफ्तार हुआ है, लेकिन जिस व्यक्ति को धमकी दी गई है उसको पिछले 2 सालों में अनेक धमकियां दी गई और कई आपराधिक गिरोह उसको धमकाते रहे हैं, जिसमें एक अजय यादव जो देवरिया जेल में बंद था वो लगातार धमकी वहाँ से दिलवाता था अपने चेलों के माध्यम से, और लगभग आधा दर्जन से अधिक धमकी देने वालों को हम लोगों ने अलग अलग समय में गिरफ्तार करके जेल भी भेजा है। पीपीसी से आशुतोष त्रिपाठी की रिपोर्ट।